और इस वक्त रखा चुका है तंजीम बाबे इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से उन सैलाब ज़्यादा इलाकों में जाकर उनकी मदद करने के लिए यहाँ वॉलंटियर मौजूद हैं। तो ये ट्रक मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं। ये भी राशन का ट्रक जो है अभी यहाँ से लोड होकर और बहुत सारे सामान है दीगर उन इलाकों में जाएंगे उन मुतासरीन तक जहाँ तक जो सबसे ज़्यादा मुतासर है लोग। हमारे वॉलंटियर तंजीम बाबे इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट बल्दिया टाउन कराची जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए यानी कि चंदा फंड वगैरह पुराने कपड़े बर्तन वगैरह हर चीज़ यानी जमा की है हम लोगों ने। तो सैलाब से खड़ी फसलें सारी तबाह हो गई, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद हो गया, खाने पीने की चीज़ों की चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ पानी ले गया। इतनी तबाही आई शायद पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी दफ़ा बलूचिस्तान आफत ज़्यादा इलाका कहलाया जाता है। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त भी हमारे साथ भी चलें। और चेरी प्रेम के यूट्यूबर नदीम शाह मौजूद हैं और ऑनर हैं इस दुकान के। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हैं इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो माशाल्लाह इनकी दुकान से हम लोगों ने काफ़ी सारा राशन लिया। और ये देखें आटे की यानी कि अब शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आटा, उसके बाद बस कपड़े बर्तन जूते हर चीज़ मौजूद है माशाल्लाह से। तो हम लोग वहाँ जाएँगे मुतासरीन के लिए, उनकी मदद करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो आप ज़रूर बताना, इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। माशाल्लाह से ये इमरान भाई की तरफ से यानी कि हम डब्बा रखा गया था मुतासरीन के लिए, इस पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डोनेट किया, चंदा दिया और उनकी मुतासरीन की मदद करने के लिए। ये इमरान भाई का स्टोर मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये ज़िया भाई हैं जो पैकिंग कर रहे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह वहाँ जाएगी। तो सुपर स्टोर है यहाँ हमारे इलाके में, हमारे गली मोहल्ले में माशाल्लाह से बहुत बड़ा। तो मैं से सुपर स्टोर में यहाँ खड़ा हूँ, तो काफ़ी सारा राशन है उसको यानी कि अगर दालें हैं, चीनी है, चावल है, आटा है, तो वो एक घर के लिए होगा। अगर कोई बंदा बीमार है तो उसके लिए अदवायात वगैरह भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी इस टीम का हिस्से में एक डॉक्टर भी हैं, तो माहरीन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और सोशल मीडिया की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। वो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं बलूचिस्तान के। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये इन्होंने अभी चावलों की पैकिंग की है तो ये भी इंशाल्लाह जाएगा। ये कुछ पापड़ जूस वगैरह के डब्बे हैं। हमारे वॉलंटियर जो हैं वो काफ़ी मदद कर रहे हैं इनके साथ,
खड़े होकर काफी सारा आटा यहाँ लेके जाएंगे। और अब जो है वो खुश्क राशन जिसे कहते हैं, दालें, घी, चावल, चीनी अब यहाँ से लाया जा रहा है। ले तो मैं थना दी खाते था दी पर भिजा में मैं घर पे रख के आई। दिन रात एक करके मेहनत करके 5 दिन हमारा कैंप सैदाबाद चांदनी चौक पर लगाया गया था तंजीम बाबे इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। तो आज इंशाल्लाह ताला ये ट्रक यहाँ से रवाना होगा, तो आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा और आखिर तक वीडियो देखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आपको डील करेगा, वो बोलेगा बैठो, आपको बैठने को बोलेगा खड़े हो जाए खड़े हो। समझ आ गई भाई? दूसरी बात तरतीब से डालना और तरतीब के साथ वहाँ बैठना है, तरतीब के साथ काम करनी है, तरतीब के साथ आना है। ठीक हो गया भाई? सब इंशाल्लाह जाएंगे, अल्लाह का नाम लेके जाना है और दुआ करते हुए जिक्र फिक्र में जाना है इंशाल्लाह, ताकि उधर जो हमारी माएँ बहने हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो जिस मुश्किल में, ताकि अल्लाह हमसे इसकी खिदमत दे दे जैसे अल्लाह चाहता है, वो हमें भी खिदमत दे दे जैसे अल्लाह चाहता है। ठीक हो गया? तो ये नियत करके हमने यहाँ से जाना है भाई, जिन हजरात ने भी ये तामुन किया है पेटों की बटने राशन की बटने, अल्लाह उनके तामुनों को कबूल करो, आमीन। अल्लाह हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए इखलास और मोहब्बत वाला जज्बा अता करो, आमीन। अल्लाह हम जा रहे हैं, सानिया बहुत बड़ा है, हम सिर्फ अपना एक खतरा उसमें शामिल कर रहे हैं, अल्लाह तू कबूल फरमाया, आमीन। इलाके वालों की अल्लाह तू छोटी छोटी मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी मदद और मदद फरमा, रास्ता बखेर रास्ते में जितनी भी रुकावटें परेशानियाँ हैं अपने ऐसे खजानों से अल्लाह उसको खत्म फरमा और हमारे लिए रास्ते को मुश्किलात को आसान करना। और माशाल्लाह ऐसे इस वक्त हमारा काफिला अपनी मंजिल की जान रवा दुआएँ, अब सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। और जो है वो सफ़र काफ़ी दुश्वार है और काफ़ी बड़ा सफ़र है, लंबा। तो इस वक्त हमारे पीछे एक ट्रक भी आ रहा है, मैं आपको वो ट्रक भी दिखा देता हूँ। नदीम भाई, और ये जिस तरह देख रहे हैं हमारे पीछे ट्रक भी आ रहा है और हम लोग देखो मैं मोहम्मद उमर भाई भी हैं अब्बास से, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, और रफी भाई वो भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ हमारा इस्तकबाल भी किया और आगे की रहनुमाई इंशाल्लाह हम इनके साथ, तक हम अपनी जो हमारे घर को देखे नहीं करते जहाँ मदद अभी तक नहीं करेंगे। बहुत बहुत
इस वक्त हमारा काफिला जो है वो जिस पर राशन ट्रक वगैरह वो पीछे से आ रहा है, हमारी दो गाड़ियां आगे आ गई हैं और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जो है लस बेला और जो है वो क्या कहते हैं इसको ओथल, नाम इतने मुश्किल है कि ओथल और लस बेला के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के पास मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ से हमें लिस्टें मिलेंगी कि किस तरह वो सिलाबी रेला आया खुशदार के पहाड़ों से होता हुआ, एक बहुत बड़ा सिलाबी रेला कि बलूचिस्तान की तारीख में इतनी बारिशें नहीं हुई जितनी इस दफ़ा तबाही हुई है बारिशों की वजह से, वो सिलाबी रेला यहाँ से गुजर गया। तो यहाँ से हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी और जो दूसरा है वो हमारे साथ कुछ बंदे भी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं तो राशन वाले ट्रक को अगर देख लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, सबसे बड़ा मसला यही है। इस वजह से जब सिक्योरिटी हमारे साथ होगी तो हम आराम से हर चीज़ हर सामान डिवाइड कर सकते हैं और हकदारों का हक जो है उनकी दहलीज पे पहुंचाना बाबे इंसानी वेलफेयर ट्रस्ट का एक निशान, एक खिदमत का। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। लोगों के मकानात बह के ले गया और जो है माल मवेशी सब कुछ तबाह हो गया। तो आप हमारे साथ वीडियो में ज़रूर रहिएगा और आगे के हालात के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपने कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और मुतासरीन के लिए अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो मैं आखिर में अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दूंगा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अकाउंट नंबर भी मैं आपका अपना दे दूंगा, ठीक है। तो इसे आप दिल खोल कर सलाम मुतासरीन की मदद करें। तो ये आप जैसा देख रहे हैं ये अभी गांव के माहौल शुरू हो गए, देखें वो दूर दूर तक झोंपड़ियाँ आपको नजर आ रही होंगी, देखें प्राइम के यूट्यूबर हैं नदीम भाई, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये भी अमान विलोस और जेरी प्राइम जो है ये इसको कवरेज कर रहा है मदीना वेलफेयर ट्रस्ट को और इनकी सरगर्मियों को, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की सरगर्मी है और काफ़ी लोगों ने दिल खोल कर अपने हथियार जमा करवाए हमारे कैंप पर आकर। ये लाखरा का इलाका कहलाता है, यहाँ काफ़ी तबाही हुई है और ये पानी जो है ये देखें अभी भी रवा दवाए, ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ मौजूद है, अभी भी सैलाब का पानी आप देख सकते हैं। यहाँ खड़ी फसलों को भी तबाह किया, घरों को भी तबाह किया, माल मवेशी तो क्या इंसानों को निकल गया ये सैलाबी रेला। एक तबाही आई बलूचिस्तान के इन इलाकों में और ये कच्चा इलाका कहलाता है और बड़ी मुश्किलों से हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ से जा रही है। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि सैलाब के वक्त आपकी क्या सूरत हाल थी, क्या कर रहे थे, सारा कुछ बताएंगे आपको।
तो हमने होटल में आकर यहाँ पर काफ़ी राशन तकसीम किया पूरा। यहाँ के लोग जो थे वो बिल्कुल एकदम ट्रक के ऊपर ही आ गए थे, लेकिन हमने नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए लोगों की एक लाइन बनाई, उनका NIC लिया और जो है उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमने राशन दिया ताकि एक बंदा एक ही दफ़ा राशन ले सके, दूसरे का हक ना खाए। और अब हम वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं वापस। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे इजाज़त दीजिए अवान ब्लॉक से तारिक अवान को उथल के सैलाबजदा इलाके से। अल्लाह हाफिज़।